दिव्या मदेरणा कर्नाटक पहुंची हैं आज भाजपा की तरफ से, सतीश पूनिया लगातार है। अब सतीश पूनिया को लेकर चर्चा इस तरह की चल रही है, चूंकि भाजपा यहां लगातार बिजी है और जितने भी सीएम फेस गिने जाते हैं, मैं सीपी जोशी की बात करूं, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, लगातार जन आक्रोश की जो सभाएं चल रही हैं भाजपा की, उसमें वो शिरकत कर रहे हैं। आज मेवाड़ में कार्यक्रम है तो वहां गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और वरिष्ठ नेता हैं। सतीश पूनिया को कर्नाटक भेज दिया गया है, इसके दो तरीके निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि पार्टी में उनका कद बढ़ा है इसलिए जिम्मेदारी दी गई है, दूसरी तरफ एक पक्ष यह है कि सतीश पूनिया को राजस्थान से थोड़ा सा आउट करने के लिए कर्नाटक में बिजी कर दिया गया है। उसमें कई सारे अंदरूनी और बाहरी कारण हैं। कुछ तो क्या है कि सही सही आपको बताऊं तो कई चीजें तो ऐसी है कि उनको लेके जो शिकायतें हुई उसका तकाजा लोग करने लगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस का, अपने जो टाइमिंग और तमाम चीजों के इन्वेस्टमेंट्स का। तो अब वो अगर जन आक्रोश यात्रा में ही वो अगर हिसाब मांगने खड़े हो जाए कार्यकर्ता पदाधिकारी तो बड़ा संकट हो। तो ये ऐसा अक्सर होता है, ऐसा बताया जाता है कि सतीश पूनिया जब ये हुआ बालोतरा के अंदर अभी कुछ दिनों पहले जी। जिसमें महिला को थिनर डाल के चला, तो उसमें वो गए, ऐसा बताया जा रहा है कि आला कमान की ओर से अलग टीम भेजी गई, सतीश पूनिया चले गए। तो ये माहौल चल रहा है, इसमें सतीश पूनिया को किस तरह से एक सेफ जोनर दिया जाए कि सतीश पूनिया का एक डिग्निटी, एक क्वालिटी भी बनी रहे। और वो लगातार वहां परफॉर्म कर रहे हैं, उपनेता हैं प्रतिपक्ष में, यही नहीं वहां पे जोगेश्वर गर्ग हैं जो कि पार्टी के विधानसभा में सचेतक हैं, तो वो भी कर रहे हैं। और भी तमाम नेता जो कि साउथ में पकड़ रखते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर इलाके के बहुत लोगों का कर्नाटक में जिग्नी जगह है, वहां पे काम है, उसके अलावा बहुत सारी जगहें हैं जहां पे वो लोग। आज तो हम चर्चा कर रहे थे कि अशोक गहलोत कर्नाटक कब जाएंगे, पहुंच गए हैं दिव्या मदेरणा, और मारवाड़ी समाज की एक रैली है किसी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में, उसमें मुख्य अतिथि दिव्या मदेरणा को बनाया गया है, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, दिव्या मदेरणा एक नया फेस है, गहलोत खेमे के ददरी राखड़ से उनकी सीधी अदावत है। अशोक गहलोत भी ये कहा जा रहा है 2-3 तारीख के आसपास, मतलब अगले महीने में वो कर्नाटक में कैंप करेंगे। तो अभी चूंकि वो महंगाई राहत कैंप कर रहे हैं, तो जो फाइनल इफेक्ट वाली चीजें हैं वहां पर नेताओं का पहुंचना, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके, इससे यह है कि जबान तल्ख हो गई है। वो उनका गृह राज्य है और ऐसा कहा जा रहा है कि 3 बार सीएम बनते बनते चुके हैं खड़गे, ये बयान कुछ ऐसा ही तो नहीं है। तो उन्होंने ये उसी तरह का बयान दिया है जैसा सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था बहुत पहले। बीजेपी या नरेंद्र मोदी की टीम वो भूली नहीं है और वो उनकी कार्रवाइयों में नजर भी आता है। तो अब खड़गे को लेके जो व्यक्तिगत हमला है नरेंद्र मोदी पे, सांप, जहर, ये वो, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इसकी उम्मीद नहीं की जाती। भाजपा उसे बनाने की कोशिश भी कर रही है, अमित मालवीय ने सबसे पहले भाजपा को एक मौका मिल गया है। अनुराग ठाकुर मुखर हुए हैं जी, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है और चौतरफा घेर रखा है। अभी तक कांग्रेस सुपर काम कर रही थी, वहां पे अच्छा प्रभाव था, लेकिन इस बयान के बाद जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये है कि आप बराबरी पे आ गए, आपने अपना लेवल जो अप था उस पे आप नीचे आ गए थोड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक सधी जुबान वाला नेता माना जाता है और वो बहुत लो प्रोफाइल में रहकर अपनी बात कहते हैं, संभलकर अपनी बात कहते हैं। मुझे याद है कि 2015 का वक्त था जब लोकसभा के अंदर योगी जी, योगी आदित्यनाथ जो है वो अपना विदाई भाषण दे रहे थे, तो सदन के तमाम नेता मौजूद थे, तो उन्होंने एक प्रहसन कहा कि मैं अखिलेश और राहुल गांधी की उम्र के बीच का हूं, ठीक है। तो उन्होंने तो खड़गे जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप अब मुख्यमंत्री बन गए हैं और आपको भाषा संयमित रखनी चाहिए, उन्होंने योगी को ज्ञान दिया था और वो भाषा मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद ही खो बैठे हैं कर्नाटक में। तो ये देखने वाली बात है कि आप राहुल गांधी किस तरह से बोलते हैं, राहुल गांधी को असंयमित वो ऐसा बोल जाते हैं कि बीजेपी को मसाला मिल जाता है, लेकिन वो सम्मान में कहीं कमी नहीं रखते, ये एक बड़ी चीज। लेकिन ये जो जबान का स्तर है ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। अशोक गहलोत जी का भी काफी जो है जिस तरह से वो फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से डोटासरा जी का थोड़ा सा बात करते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस ने एक टैक्टिक्स शुरू की हो कि भाई अब जो है वो
इस तरह की बैटिंग करो, पार्टी बना जाए। हाँ, पार्टी बना जाए क्योंकि लोग सुन रहे हैं, ओवैसी को सुन रहे हैं लोग, हनुमान मेरे। ओवैसी ने आज सतमाल मलिक को लेकर जिस तरह से हमला बोला है और काफी तल्ख। देखो असदुद्दीन ओवैसी को मैं एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक एकेडमिस्ट के तौर पे पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ। वो बैरिस्टर हैं और लॉ के बड़े जानकार हैं। तो एक दिन हमने पहले विश्लेषण किया था, आपको याद होगा, सत्यपाल मलिक पे, कि सत्यपाल मलिक अब बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जब तक जांच नहीं होती, चलो उनकी जांच की, तब तक सत्यपाल मलिक उस मामले के दोषी हैं ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि वो उस समय राज्यपाल थे, वहां राज्य सरकार नहीं थी। और गलती जो है सबसे पहली, मुख्य सचिव आपको रिपोर्ट कर रहा है, वहां की पुलिस आपके अंडर में है, वहां का शासन प्रशासन पूरा अंडर में है, और फिर और उसके बाद आप दो राज्यों के राज्यपाल के रूप में प्रिविलेज लेते हैं। वही बात आज ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि मोदी से हमारा अदावत है, मोदी दोषी है, ये है। लेकिन आप कुर्सी के चिपके रहने के लिए अब इसमें लोग ये कई कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, वो टीम, ठीक है, तो ये आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन अगर आप निर्लिप्त भाव से देखें तो उसमें ओवैसी ये बात तो सच कह रहे हैं कि आप ऑन रिकॉर्ड उस समय वहां के थे। अब जो सीकर वाली सभा हमने सुनी तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह से चुनाव लड़ा जाए, मैं प्रचार में आऊंगा, तो उनका मानस क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं। जो दिल्ली में जो धरना चल रहा है उसमें वो सपोर्ट में आए हैं, खाप पंचायतों से आह्वान किया है, हनुमान बेनीवाल भी आज आए हैं। पहले ये आरोप लगा था कि इस मामले में जातिवाद जैसा कुछ है, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाया। लेकिन अब ये हो गया कि एक कास्ट के आधार पे या एक पर्टिकुलर जोनर वाले स्टेट के आधार पे, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहले बात आई थी कि दीपेंद्र हुड्डा इसको लीड करना चाहते हैं कुश्ती संघ को इस तरह की, लेकिन उस समय कुछ साबित होने जैसी स्थिति नहीं थी। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि एक पर्टिकुलरली एक बड़ा माहौल खड़ा हो रहा है। और इसमें यह भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आप जांच नहीं कर रहे, क्यों आप जांच रिपोर्ट नहीं दे रहे। बबीता फोगाट जब उसमें कमेटी में वो कह रही मेरे हाथ से छीन ली गई, इन चीजों को क्लियर करना चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दों पर हमने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ चर्चा में फिर से जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।